डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर अहमद लोन साहब मधुमनिक चीज भारतीय जनता पार्टी हूं पिलर बना यह इलेक्शन चाहे सह इलेक्शन वो सोरी भारतीय जनता पार्टी वो दी अस सोरी शायद जनता पार्टी जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद नसीर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नसीर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं शुक्रिया करता हूं मधुबन के जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर देखा जाए अभी तक वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई थी, वहां पर उनका पानी का मसला था, अगर देखा जाए उनका रोड का मसला था। कल मैं गया वहां पर, मैंने वहां पर जो पीएचई वाले उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, कल आए तो उन्होंने वहीं जिनकी भी उनकी मुश्किल थी वो हल किया। और ये तो हमारा पार्टी का मोटो ही ऐसा है कि पार्टी लोगों के लिए खिदमत हमको करनी है। और कल आपको देखा कि गुलाम अहमद खान साहब और कई लोग हैं जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। और कल मैं बहुत ही खुश हूँ कि कल बहुत ही वर्करों ने वहाँ पर एनसी से और अपनी पार्टी पीसी से निकल के और वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है उन्होंने वो थाम लिया। और अगर देखा जाए आपने खुद देखा कि वहाँ के ग्रीवेंस कितने हैं और धीरे धीरे हम भी लोगों के पास जा रहे हैं, मेरी टीम जा रहे हैं, मेरे कितने भी वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं लोगों के पास। और जितने भी इनकी मुश्किल आते हर गाँव में हम जाएँगे, हर दफ्तर में हम जाएँगे, जहाँ भी इनकी मुश्किल आती वो भारतीय जनता पार्टी इसी रिलेटेड जो है निकली है और लोगों के लिए निकले हैं। और स्कीम में भी कुछ हमने जो कल जो लोगों के साथ स्कीम में क्या है मोदी जी की तरफ से पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है बहुत बड़ी एक स्कीम आ रही है जो 15-15 हज़ार चाहे नजार और जुमरे में आते हैं, हांजी तबका आते हैं, गुजर लोग, एसटी लोग, इसमें बहुत सारे तबके आते हैं, ट्रेडर वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, यहाँ पर सीएस सेंटर में जाएँ और अपने जो फार्म है वो भरें ताकि लोगों को पता चले, लोग अवेयर हो जाए। तो उसमें कोई फीस नहीं, उनको कोई पैसे नहीं भरने और डॉक्यूमेंट वो डी सब के पास जाएंगे फॉर्म तो उसी हिसाब से फिर उनको वो 15-15 हज़ार जो अकाउंट में आएंगे। ग्रीवेंस से मुझे लगता है कि कहीं कहीं जगह भी ग्रीवेंस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब जगह हालात ठीक ये डेवलपमेंट हो गई, कहीं कहीं जगह 2014 से अगर देखा जाए बहुत ही जो ग्रीवेंस थे आज मुझे लगता है कि अगर 100 में से 100% ग्रीवेंस थी अगर आज देखा जाए 2014 से जब से बीजेपी ने बार दो संभाली मुझे लगता है कि 2014 से बहुत कम हो गए। आज मुझे लगता है कि 40% जो है ग्रीवेंस अभी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। अब धीरे धीरे इन्होंने कुछ नहीं किया था, एनसी वालों ने, इन्होंने पीडीपी वालों ने, कांग्रेस, इन्होंने कुछ नहीं किया था ना यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। अगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात में करूँ अगर आज देखा जाए आज तो काम हो रहा है, आज लोग खुश है, आज लोग की तरक्की हो रही है, आज लोग स्कीमें ले रहे हैं, फ्री राशन, गोल्डन कार्ड, ये गैस सिलेंडर दो यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त देखे IAY PMAY यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज़ रोड बन रहे हैं, पावर है, ट्रांसफार्मर है, तो ठीक है धीरे धीरे सब काम जो है वो हो रहा है। और मधुबन के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल बहुत ही तादाद में ज्वाइन किया और उन्होंने उनको लगा कि वाहिद एक पार्टी बीजेपी की जो लोगों के हित में काम कर रही है।